भारत में कारखानों का आना। बम्बई, वर्तमान मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगा और दो साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। सन 1862 तक वहाँ ऐसे चार मिलें काम कर रहे थे। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल सन 1855 में और दूसरा 7 साल बाद सन 1862 में चालू हुआ। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल सन 1860 के दशक में कानपुर में खुला। इसके साल भर बाद अहमदाबाद का पहला कपड़ा मिल भी चालू हो गया। सन 1874 में मद्रास में भी पहला कताई और बुनाई मिल खुल गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सन 1894 में सीपी मिल प्रारंभ हुआ। इसे सन 1906 से बीएनसी कहा जाने लगा। आइए देखें कि उद्योग कौन लगा रहे थे, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे। प्रारंभिक उद्यमी। व्यापार से पैसा कमाने के बाद कुछ व्यापारी भारत में कारखाने स्थापित करना चाहते थे। मुंबई के दिनशॉ पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी टाटा, नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को अफीम आदि निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्चा कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। सन 1917 में कोलकाता में प्रथम देशी जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने किया। इनके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे जो विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, वे भारत में ही व्यापार या साहूकारी करते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। सन 1911 में मुंबई बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर के मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर कानपुर जिले के गांव से ही आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के लोग बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुँच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर, प्रतिनिधि या एजेंट रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गाँव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे उधार देता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसों व तोहफों की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगा। अंग्रेज सरकार की नीतियां। भारतीय उद्योगपति यह मांग कर रहे थे कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाएं ताकि भारतीय मिलों के उत्पादन को संरक्षण मिले, और यह कि शासकीय उपयोग के लिए खरीदी में भारत में बने सामान को प्राथमिकता मिले। अंग्रेज सरकार विदेशी माल पर कर लगाने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि इससे ब्रिटेन के उत्पादनों पर विपरीत असर पड़ता। जब सन 1896 में उन्हें राजकीय खर्च के लिए शुल्क लगाना जरूरी हो गया तो उन्होंने विदेशी और देशी दोनों पर समान कर लगाया। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल सका। सरकार ने भारतीय उत्पादनों की गुणवत्ता की कमी का कारण दिखाकर यहाँ का सामान खरीदने से इनकार कर दिया। लिखने का कागज और स्याही तक ब्रिटेन से आयात होता था। यह परिस्थिति सन 1914 तक बनी रही जब यूरोप में युद्ध के कारण
वहां से सामान भारत न आ सका। उसके बाद भारतीय उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे। अंग्रेज सरकार ने भारत में भी बाल मजदूरों और महिला मजदूरों के हित में कानून बनाए। यह कानून बना कि 9 साल से छोटे बच्चों को काम में न लगाया जाए व बाल मजदूरों से दिन में 7 घंटों से अधिक काम न लिया जाए। इसी तरह यह व्यवस्था बनी कि महिलाओं से 9 घंटों से अधिक काम न लिया जाए। अंत में 1911 में पुरुषों के लिए यह कानून बना कि उनसे 12 घंटों से अधिक काम न करवाया जाए।